छतरपुर की, जहां जिला शिक्षा अधिकारी और एपीसी रामहित व्यास के द्वारा स्मार्ट क्लास के लिए खरीदी जाने वाली शैक्षणिक सामग्री में लाखों का घोटाला किए जाने के आरोप आम आदमी पार्टी छतरपुर इकाई ने लगाए हैं। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष ब्रजकिशोर पटेरिया और चुनाव प्रभारी रामलाल गौतम के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय छतरपुर पहुंचकर अपनी मांगों का ज्ञापन अपर कलेक्टर प्रताप सिंह चौहान को सौंपा। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए जिलाध्यक्ष ब्रजकिशोर पटेरिया ने कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी और एपीसी रामहित व्यास ने लैपटॉप और दूसरे चीजों की खरीदी करने में करोड़ों का घोटाला किया है, जिसमें छतरपुर कलेक्टर को भी अंधेरे में रखा गया है। वहीं दोषी अधिकारियों को निलंबित करने और उन पर FIR दर्ज करने की मांग के ज्ञापन सौंपा गया है। पूरे मामले में जिला शिक्षा अधिकारी हरिश्चंद्र दुबे ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि 1,73,00,000 की खरीदी उनके कार्यकाल में नहीं हुई। जो भी आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं और JD सागर ने जो शोकाज नोटिस जारी किया है उसका जवाब भी समय सीमा में दे दिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा है कि इस तरह की अनर्गल शिकायतें करने के पीछे कुछ विभाग के अधिकारी और तथा कथित लोगों का हाथ भी है। वहीं पूरे मामले में अपर कलेक्टर प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच पड़ताल कराई जाएगी। विराट 24 न्यूज के लिए छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट। जी पटेरा जी, कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया, क्या प्रमुख मुद्दा रहा? जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा छतरपुर में विभिन्न स्कूलों को उन्नत करने के लिए बच्चों के लिए अच्छे कंप्यूटर और अच्छे TV की मांग शासन योजना के तहत आई थी। उसमें जैम पोर्टल के माध्यम से भारी बड़ी खरीद हुई, जिसमें सब डुप्लीकेट सामान दिया गया, भुगतान भी किया गया। इसमें कलेक्टर महोदय को कोई जानकारी नहीं दी गई और इसमें मध्य प्रदेश शिक्षा मंत्री एवं प्रभारी मंत्री का हाथ लगता है। उसके विरोध में, भ्रष्टाचार के विरोध में, आम आदमी पार्टी आज ज्ञापन देने कलेक्टर महोदय को आई है। माननीय मुख्यमंत्री को हमने कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया है। क्या प्रमुख मांग? इस कथित भ्रष्टाचार को जो मीडिया के द्वारा जानकारी आई है, उसमें कलेक्टर महोदय तत्काल संज्ञान लें एवं संबंधित अधिकारी को तत्काल निलंबित करें और FIR दर्ज कराने के बाद उनको कार्रवाई। किस प्रकार का ज्ञापन प्राप्त हुआ है, क्या पूरा मामला? आज जिला शिक्षा अधिकारी एवं APC के विरुद्ध एक शिकायत के माध्यम से ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जो नियमानुसार जांच के लिए भेज के आगामी कार्रवाई की जाएगी। कौन सी पार्टी के द्वारा ज्ञापन दिया गया? आम आदमी पार्टी द्वारा ज्ञापन दिया गया। देखिए, हमारे आज मैंने न्यूज़पेपर में देखा हुआ था, न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है कि 1,73,00,000 की कोई सामग्री खरीदी गई है। तो हम आपको ये बता दें कि 1,73,00,000 की सामग्री की जो बात आई हुई है, ये हमारे समय पर कोई इस तरह की कोई खरीदारी नहीं की गई। हमारे समय पर केवल 17 स्कूलों के लिए 2,40,000 के मान से राशि आई थी, जिसमें स्कूलों को सामग्री क्रय करना थी, स्कूलों के द्वारा सामग्री क्रय की गई और जो वैधानिक प्रक्रिया थी उसको अपनाया गया और फिर उसका भुगतान किया गया। क्या JD सागर द्वारा कुछ लेटर? JD सागर के द्वारा उस प्रोसेस के संबंध में एक नोटिस हमको दिया गया है, तो जिसका जो वैधानिक जवाब है वो हम दे देंगे।